तावद्भयं दभिनो देहो सुहृत् निमित्तं तावस्पृहा परिभवो विपुलश्चलो तावद् ममो इति असद् अवग्रहो आर्तिमूलं जावन्नाते अंग्रिमभयं प्रवृणीते लोका सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए ये जगत के जितने सारे अधिवासी हैं जगतवासी परम सत्व वस्तु से बहुत दूर हट गए। सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी राधा रानी का निजी जन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी जन बताए कि जगतवासी परम सत्व वस्तु से बहुत दूर हट गए। इतना दूर हट गए कि इन लोगों का सामने अगर वास्तव सत्व वस्तु का कीर्तन किया जाए वो डर के मारे भागते हैं। भले ये सब क्यों बताते हैं, कुछ ऐसा बात बताओ जिसमें मजा मस्ती होए आनंद होए। बात ये है जगत में दो किस्म का सत्य है, एक है अपेक्षिक सत्य एक है वास्तव सत्य। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे किताब लिखे थे, इनमें से एक छोटा एकदम सुंदर किताब इसके नाम था शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने एक तो छोटे किताब लिखे थे बुकलेट, इनका नाम था ट्रूथ रियल एंड अपरेंट। सच्चाई दो किस्म का होता है अपेक्षिक सत्य रिलेटिव ट्रूथ एवं वास्तव सत्य। काल भी बताए थे वास्तव सत्य वस्तु सुनने का अधिकार सब कोई का नहीं है। अगर जोर जबरदस्ती सुनने बैठे तो बोले कीर्तन होए तो हम सुन लेंगे, ये संभव नहीं है। वास्तव सत्य वस्तु सुनने के लिए थोड़ा बहुत सारी क्वालिटीज का जरूरत है। वास्तव सत्य वस्तु कीर्तन होने से आप सुन लेंगे समझ लेंगे ऐसा नहीं। जैसे ये दुनिया में किसी ने अगर हमारा सामने किसी का सामने अप्लाइड फिजिक्स का बारे में प्रवचन शुरू कर दिया, अप्लाइड फिजिक्स, तो यहां कोई आदमी बोले को हमको आप समझाओ तो हम समझ जाएंगे, लेकिन यह संभव नहीं। जहां तक इसका ज्ञान है वो ये नॉलेज जो है जो इसका विशेष नॉलेज है वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। और रिलेटिव ट्रूथ का बारे में काल भी बताया था जो ये जो सराउंडिंग सिचुएशन जिस अवस्था में आप रहते हो जिस संबंध बना के आप रहते हो ये सब सारे टेम्पोररी रिलेशन है परमानेंट नहीं है। कल ये भी बताया था कोपिल जी महाराज कोपिल भगवान जी माता जी देवाहुति जी का सामने, क्योंकि देवाहुति जी प्रश्न किए बहुत दिन से विषय का संग करते करते हम थक चुका, कैसे हम ये बंधन से निकल कर भगवान का चरण में जाए। इस समय कपिल जी माताजी को उत्तर दिए थे संगो जो संसते रहे तो हो असस्व विहित हो धिया स एव सदसुकृत निस्संगताय कल्पते। जो रिलेशन जो संबंध ये संसार में चलते हैं अक्सर
इसके द्वारा बंधन ही बंधन होता है, मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये संबंध अगर पहुंचा हुआ संत महात्मा का साथ हो जाए, इसमें आपका बंधन खुल जाएगा, रहेगा नहीं। बात ये है, जो श्लोक देकर हमने शुरू किए, ये बताए थे तावत भयम द्रविण देह सुहित निमित्यम तावत स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। ये जो बताएं, हर जीवों का अंदर में, मनुष्यों का अंदर में एक किस्म का अनजाने डर रहता है। ये डर कहां से पैदा होता है, ये डर कहां से आता है, इसका उत्तर दो दिन पहले दिया था एक सभा में। जब भगवत वस्तु अनंत ब्रह्मांडों में एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है उसको अगर आपको जानने का इच्छा है आपका अंदर में, ये अपराकृत सत्य वस्तु, इसका बारे में भागवत जी महापुराण में बताएं, जे पूरा दुनिया में, तमाम दुनिया में एक अद्वैय ज्ञान तत्व है, बदंती तत्तत्वविदम सत्यम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक छोड़कर दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं, एक वस्तु है, एक एव नाना एव भाति उपनिषद में उत्तर है। हम एक सुंदर उदाहरण देते भागवत जी से, एक दफे ब्रह्मा जी का सामने इनके चार मानस पुत्र, बहुत पहले का जो है सनंद सनातन सनत कुमार, ये सब इत्यादि चार जो पुत्र हैं, ब्रह्मा जी का सामने एक प्रश्न रख दिए, बड़ा आश्चर्य का प्रश्न। ये चर्चा करते करते हम भागवत धर्म में जाएंगे, भागवत धर्म क्या है, कैसे आश्रय लिया जाए, देवी मैया का क्या प्रभाव है, भगवान का शक्ति। भागवत जी में आता है जो ब्रह्मा जी का सामने चतुष्सन एक प्रश्न रख दिए, और उसी समय ब्रह्मा जी अपना सृष्टि में जितना सारे व्यवस्था है ये सब चिंतन में थोड़ा डूबे हुए थे, थोड़ा सा बिखरा हुआ मन था। अब इस समय में ये प्रश्न कर दिए जे चित्त में विषय, अब विषय में चित्तों का कैसे अनुप्रवेश होता है, ये तो संभव नहीं। चित्तों में विषय, अब विषय में चित्त कैसे अनुप्रविष्ट होते रहता है, कि लगता है कि एक ही है, अलग नहीं है। ब्रह्मा जी चिंता के खातिर चिंता में थे, इसलिए इस प्रश्नों का क्या उत्तर देने से सब कोई को समझ में आएगा, ये विचार अंदर में पैदा हुआ। और ठाकुर जी का शरण में गए कि अचानक ये प्रश्न रख दिया, और दूसरा चिंता भी था दिल में। दूसरा चिंता भी था दिल में, अचानक ये प्रश्न रख दिया तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी का शरण में गए, ये ठाकुर जी हेल्प करे, सहायता करे, क्योंकि जितना सारे बुद्धि विवेक सब कोई का निर्णय देने वाला तो ठाकुर जी हैं, सब कुछ जो नियंत्रण हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है तमाम दुनिया में, ठाकुर जी छोड़ के तो कुछ नहीं होता। यहां तक भी आप लोग भी गीता का ये जो है आप पाठ करते हो महिमा को, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्वान द्रविणम तमेव,
तमेव सर्वम मम देव देव। आप तो गा तो लेते हो लेकिन अनुभव नहीं, उन अनुभव में नहीं उतारता है। गाने का है गा दिया, क्या बताया इसमें, ये तो कोई ध्यान नहीं दिया। बोले तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्याम द्रविणम तमेव, सब बोल दिया। ठाकुर जी आप ही सब है, आप सब कुछ है, पूरा दुनिया भर में वन एंड सिंगल तत्व इज देयर, नोबडी कैन चैलेंज, इट्स एन एक्सीलेंट फैक्टर। इसका साथ कोई तर्क नहीं चलेगा, तर्क से परे हैं। ये अद्वैत ज्ञान तत्व को स्थापन करना जरूरी है पहले, और उसका बाद आपका दिल लगेगा कि हाँ महाराज भागवत धर्म के बारे में बताएं, ये भागवत धर्म आश्रय करना जरूरी है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी को जो प्रश्न किए तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी का शरण लिए, और ठाकुर जी बराबर एकदम प्रकट हो गए, और जिस तालाब का सामने ये प्रश्न रख दिए थे, एक सुंदर सा तालाब, ये तालाब में हंसरूपी भगवान आ गए, हंसरूपी भगवान हंसरूप पकड़ करके आ गए, और चतुष्सन और ब्रह्मा जी खड़े हैं, और चतुष्सन का सामने आकर और क्या क्या बातें बोलने लगे, और ज्यादा समझ में नहीं आए, है तो ठाकुर जी, कुछ कोड लैंग्वेज हो सकता, चतुष्सन भी साधारण नहीं है। अचानक चतुष्सन प्रश्न रख दिए अपना जवान से, ये क्वेश्चन निकल गया, आप कौन हो, क्या बोलना चाहते हैं, कौन है आप, ऐसा प्रश्न रख दिया। जब ऐसा प्रश्न रख दिया तो हंसरूपी भगवान ने हंस दिए, बड़ा भारी हंसी उड़ाया, अब बोले महाराज आप जो क्वेश्चन रख दिए हो हमारा सामने, जो आप कौन हैं, ये क्वेश्चन कहां से आया आपका, वेयर फ्रॉम यू गेट दिस क्वेश्चन, कहां से आपका ये क्वेश्चन आया, जब आपको जानकारी है दुनिया में दूसरा कोई वस्तु ही है नहीं, जो कुछ भी है तमाम दुनिया में एक तत्व है, तो व्हाई यू आर पुटिंग दिस क्वेश्चन बिफोर मी, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। एक उदाहरण दे दे उपनिषद से, आपको अच्छा लगेगा। महाराज बोलते हैं जितना मिसाल बोलो अच्छा है, क्योंकि यहाँ का आदमी वृंदावन का मापिक नहीं है कि तुरंत समझ जाए, बड़ा भोले भाले हैं, अच्छा भोले बाबा का सब जगह में रहते हैं। आप सुने होंगे याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम सुने होंगे, याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि का दो लड़का है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने इन दोनों लड़का को शिक्षा तरंग चराने के लिए ब्रह्म तत्व जानने के लिए गुरु गृह में भेजा, इन दोनों को भेजा गया, कहां, गुरुजी का घर में, और वहां बहुत दिन शिक्षा लिए हैं ब्रह्म तत्व के बारे में। अब इसका बाद गुरुजी का चरण से दंडवत करके पिताजी का पास लौट आए बहुत दिन बाद। पहले ऐसा ही नियम था, दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पहले जमाने में, आज भी नियम है, आज भी एक ही नियम है कि, लेकिन आप मानो या ना मानो, आज भी एक ही नियम है, दिव्य ज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको गुरु गृह में जाना पड़ेगा। वहां तत्व ज्ञानी गीता में भी भगवान बताए, लेकिन कौन सुने, हम एक बोका है, फुलिश है, चिल्लाते रहते हैं, कौन सुने, भगवान ने गीता ने बताया, कोई देखता भी नहीं, पन्ना खुल के कोई खुल के देखता भी नहीं, भगवान ने गीता ने बताया, देखो तद्विद्धि पुणिपातेन परिवेशन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन, दोज हू आर वर्स अबाउट ब्रह्म तत्व और भगवत तत्व, ये लोग आपको तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। तीन कंडीशन है, एक बात तो ये है
आपको प्रणिपात करना पड़ेगा। अच्छा दंडवत, अब आप बोलोगे महाराज तो दंडवत तो करते ही रहते हैं महाराज आने से, ये किस्म का दंडवत नहीं। दंडवत जो हम दे आप जो करते हो इस किस्म का दंडवत हमने नहीं मीन किया, क्योंकि नमो शब्दों का व्याकरण के हिसाब से नमो नमः ओम नमः, नमो शब्दों का अगर व्याख्या किया जाए सही ढंग से इसका अर्थ ये बैठता है नौ शब्द निषेध, नौ मन नो आ उसका बाद मोह मतलब अहंकार, टोटल आपका अंदर का जो फॉल्स ईगो है अहंकार, हम ये मन ये मकान का मालिक है, हमारा ये डिजिग्नेशन था, हमने रिटायर्ड ऑफिसर है, हमारा ये लड़का है, ये सब जितना सारे परिचय हैं ये सब अपेरेंट परिचय। सॉरी छोड़ने का साथ साथ ही महाराज ये परिचय बदल जाएगा, ये परिचय रहेगा नहीं, ये परिचय रहने वाला नहीं है। चाहे आप जितना बुद्धिमान समझते हो अपने को, लेकिन ताकत लगा के देखो, डेथ इज इनएविटेबल, मौत से कोई सोल्यूशन नहीं है, देर इज नो सोल्यूशन ऑफ डेथ, मृत्यु का कोई सोल्यूशन निकाला नहीं, इसीलिए इसको मर्त्यधाम बोला जाता है, मर्त्यधाम, यहां आए हो तो मरना पड़ेगा, माइंड इट, एंड बिफोर योर डेथ इफ यू कैन टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर, सतर्क कोई व्यवस्था आप ले लो, तो मौत जैसा चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा। जैसे परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज का कहानी बता दे, फिर आई कैन गो बैक टू द उपनिषद स्टोरी। परीक्षित महाराज जी को जब भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, उसका क्या मकसद था, क्या मकसद था भागवत कथा सुनाने का? भले महाराज सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी को अमर बनाने, हाँ आपको तुम अमर बना देंगे अनंत काल के लिए, कुंभ मेला में स्नान करो उसमें जो अमरत्व मिलेगा दैट इज नॉट परमानेंट, कल्प काल तक रहे उसके बाद मरना पड़ेगा। देवता लोग भी जो इंद्र का पद है सब इलेक्शन हो गया, जिस पद में अभी इंद्र बैठा हुआ है ये वैवत्सर मन्वंतर चल रहा है, दूसरा मंदर मन्वंतर में प्रहलाद महाराज का पोता बोली महाराज का लिए ये जो पद है ये पद दिया गया, ये पद ऑलरेडी अलॉटेड, ये पद ये किसी को नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। तो परीक्षित महाराज जी इनको भागवत कथा सुना के जन्म मरण का चक्कर से निकालने का वादा किया, बोला हम हां सच्चा गुरु में ये ताकत रहता है, सदगुरु में ये ताकत रहता कि शिष्यों को पकड़कर ये दुनियादारी का चीजों से निकलकर पूरा बंधन मुक्त करकर भगवत चरण में भेजने का ताकत जरूर है, जरूर है। तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा शुरू किए तो एक चुनौती दिए शिष्यों का सामने, परीक्षित महाराज का सामने, क्या चुनौती? बोले देखो तुम इधर बैठे हो सात दिन का लिए हरिकथा सुनने, अब कान खोल कर सुनो, तम तू मरीष्य इति अचिंत्य, तुम मर जाओगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे, ये चिंतन करते रहो, ऑलवेज थिंक अबाउट यू दैट यू आर गोइंग टू डाई वेरी शॉर्टली, ये चिंता तुम्हारा अंदर में बने रहे तो आपका अंदर में अकेला आएगा, अरे हम तो मरने वाला है, आई नीड सम सोल्यूशन, तब आपका अंदर में आएगा आत्मजिज्ञासा, मैं कौन हूं, अब तो मेरा पिता बन के ये बैठा है, पहला जन्म में कौन पिता था, इसका बाद का जन्म में कौन मेरा बीबी होगा, कौन मेरा माता होगा, ये क्वेश्चन आपका अंदर में पैदा होगा जरूर। देखो जिसका सेंटेंस हुआ, जिसका डेथ सेंटेंस हो गया,
सुबह 6:10 में फांसी में लटकाया जाएगा। उसको पूछे ए तुमका आखिरी ख्वाहिश क्या है बता दो, लूची पूरी खाना है कि हलवा खाना है, वो क्या बोलेगा बोलो। ये हंसने वाला बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन, जिसको चिंता करना है। जिसका फांसी का सेंटेंस हो गया सुबह में 6:10 में उसका फांसी लगना है, तो उसको बोलो महाराज क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, आपका आखिरी ख्वाहिश क्या है। बोले महाराज हमको तो मरना ही है, क्या चिंतन करें हम। और ठाकुर जी को बोलेगा हो सके तो हमको बचा दो। वैसा बहुत घटना है नैमिष क्षेत्र में, ललिता मैया एक व्यक्ति का फांसी का ऑर्डर हो गया था। यहां हमारा ये कहानी नहीं, किस्सा कहानी नहीं है, बहुत सारे एरिया लेके बात करना पड़ता है। तो ललिता मैया को उधर से बोले, प्रार्थना किए, मैया देखो हमको मरना है तो तुम मारो, तो ये हमको फांसी में लटका है, हमारा इच्छा नहीं, तुम हमको बचाओ। और उसका केस चल रहा है, वो ऑलमोस्ट उसका डेथ सेंटेंस होने वाला है। वो जहां रहती है उत्तराखंड में कौन सी जगह मालूम नहीं, वहां से दंडवती लगाते लगाते ललिता मैया का पास गया नैमिष क्षेत्रों में। बहुत सारे घटना है, बहुत सारे ये सब कहानी बताने जाए तो असली बात चर्चा नहीं होगा। ललिता मैया ने उनका मरण माने उसका गला काट दिया थोड़ी समय के लिए, बहुत सारे घटनाएं एक्सीडेंट हुआ है, फिर आके उसको उस तो मौत फिर लगा दिया। इस घटना ये आपका वही जो नैमिष क्षेत्र में जो आदिवासी हैं वो सब जानते हैं, घटना सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने बताए कि देखो तम तुम मरीषे इति अचिंत्य, तुम ये हर वक्त चिंता करते रहो तुम मर जाओगे, क्यों, इसमें आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा, अचंचल नहीं होगा, क्योंकि आपको मरना है, एक चिंता ना जाएगा तब आपको हमारा कथा में मन लगेगा, क्योंकि ये कथा ही सलूशन है, कथा के द्वारा ही आपको बचाना है हमको। और जब पूरा भागवत कथा समाप्त हो गया, 18,000 श्लोक समाप्त हो गया, तो जाने का पहले गुरुजी सुखदेव गोस्वामी चल दिए, और जाने का पहले बोल दिए शिष्यों को, परीक्षित महाराज को बताएं, भागवत में है तम तु मरीषे पशुबुद्धि इमम जही, तुम मर जाओगे ऐसा मापिक पशु बुद्धि को छोड़ दो, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है इसको छोड़ दो। अब आप बोलोगे महाराज कैसा मजा है, पहले कथा सुनने का पहले बोला था तुम मर जाओगे चिंता करते रहो हर वक्त, अब जब भागवत कथा समाप्त हो गया तो आप उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं महाराज। तत्वविद आदमी जो हैं, जो संत महात्मा है, वो बोलेंगे महाराज ये उल्टा नहीं बताया, सही बताया, क्योंकि जब तक भागवत कथा कानों में नहीं आया तब तक उसको ये चिंता करना था, क्योंकि इससे अटेंशन ज्यादा लगेगा। लेकिन जब भागवत कथा श्रवण हो गया उसके बाद मौत बोल के कुछ चीज रहता ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे मरोगे। भागवत कथा समाप्त हो जाए, आपका जिंदगी में सही पहुंचा हुआ संत महात्मा से हरि कथा सुन लो भागवत कथा, उसके बाद आप फियरलेस हो जाओ, दुनिया का कोई भी भय आपको सताएगा नहीं, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। आप ब्रह्म तत्व के बारे में उसमें लौट जाएं, वहां देखो ये जो दो लड़का सिखा करके आए हैं ब्रह्म तत्व सीखे, जागबल को ऋषि का, आज जागबल को ऋषि का सामने दंडवत किए पिताजी का सामने, पिताजी ने बड़े लड़का को प्रश्न किए बेटा तुमने इतना समय तक गुरु गृह में रहे गुरु सेवा करके ब्रह्म तत्व का उपदेश लेकर आए हो, बड़ा भारी आनंद हो रहा है, तो बेटा थोड़ा सुनाओ।
थोड़ा सुनाओ आप कैसा आपका लगा ब्रह्म तत्व कैसा है, ब्रह्म तत्व आपको अनुभव में आया है कैसा, थोड़ा बताओ दो शब्द बताओ। तो बड़े बड़े लड़का ने बड़ा भारी कोशिश किए, यूं त्यों ऐसा करके बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या शुरू किए और जगबल को ऋषि ने एक फटकारा दिया, चुप हो जा। वो बोले मरे महाराज हमको बताए ब्रह्म तत्व उपदेश कैसा सीखा, हमने बताना शुरू करा पिताजी ने फटकार दे दिया। उसके बाद छोटे लड़का को बोला ए तू बता तो कैसा सीखा, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या चीज है, थोड़ा क्या अनुभव में आया बता। और छोटे लड़का ने पिताजी का चरण देखा, गुरु जी का शरण किया, आंखें बड़े बड़े किए, कुछ बोलना चाहा बोल नहीं पाते, कुछ बोलना चाहा बोल नहीं पाते। ऐसा स्थिति देखकर जगबल को ऋषि हैरान हो गए, पर यही लड़का समझा है ब्रह्म तत्व क्या है, यही लड़का समझ में आया ब्रह्म तत्व क्या है, उसका जबान में उतारता नहीं। ही ट्राई टू एक्सप्लेन बट ही कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, क्योंकि ये ब्रह्म तत्व बोलने का चीज है ही नहीं। ये ब्रह्म तत्व के बारे में हमको लंबा चौड़ा बात करेंगे, ये क्या बोलेंगे। ब्रह्म तत्व ऐसा एक चीज है जो ब्रह्म तत्व का बारे में अनुभव जिसको हुआ है वो बोल नहीं पाते, क्या बोलेंगे, क्यों ऐसा एक चीज है अनंत, इसको बोलने जाए तो अटक जाता है इधर। तो पिताजी ने आशीर्वाद करके बोले हाँ बेटा तू समझा ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व ऐसा एक चीज है जो व्याख्या करने का अतीत है, जिसको उपनिषद में बताएं वाचो जसो जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्पो मनुषा सहो, जहां हमारा लेक्चर है हमारा हमारा मन है सब बाउंस करके आ जाता है। बाउंस जानते हो, क्रिकेट सुनते हो ना, बाउंस होके आ जाता है, हमने छोड़ दिया ये धक्का लगा के हमारा पास ही रिटर्न आ गया। क्यों, क्योंकि ये जड़ जगत का जो शब्द है, जड़ जगत का जो मेंटेलिटीज है, मन का पावर है, ये लेकर आप बैठे हुए हो दुनियादारी का विचार करने, लेकिन ब्रह्म तत्व भगवत तत्व के बारे में आपका दिमाग नहीं चलेगा। इसीलिए जितना सारे ऊंचा समाज में चर्चा होते रहता है, अक्सर हम ये बात को बोलते हैं प्रभुपाद जी का, जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अप्राकृत सच्चाई का रास्ता में चलना शुरू कर दो तो आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन विचार करके जो करोगे ये कामयाब नहीं होंगे, कि ये आप दुनिया का है। लेकिन गुरु वैष्णव में शरण के द्वारा आपका अंदर में जो वास्तव सत्व का अनुभव हो तो बड़ा भारी, ये तो ऊंचा बात है, बड़ा ऊंचा बात है। आदमियों को भागवत धर्म का ओर चलाना बड़ा कठिन है, दे आर नॉट एट ऑल रेडी। काल परसों ये भी चर्चा किया था, देवी मैया को शक्ति बोला गया, शक्ति भगवान का शक्ति, भगवान का शक्ति है। जब चंडी पाठ होते रहते हैं तो आपका अटेंशन कहां रहता है, इट इज माय क्वेश्चन। जब चंडी पाठ चलते हैं तो आप कहां बिराजते हो, सुनते नहीं हो, क्या लिखा होता है चंडी पाठ में, जो ब्राह्मण आता है यहां चंडी पाठ करते हैं आप भी करते हो, क्या क्या लिखा रहता है चंडी पाठ में, खुला में खुला रखा है वहां तो लिखा है, शक्ति है ना, भगवान का शक्ति है ना, सफा लिखा हुआ है भगवान का शक्ति। और भगवान देवी मैया का सामने ये प्रार्थना करते करते रहते हो, धनम देही जन्म देही जसो देही मातरम, ये बोलते रहते हो। और संपुट का जो श्लोक है जितना सारे उनमें से बहुत सारे श्लोक है, नारायणी नमस्तुते इत्यादि आदि सब विचार करके देखो, भगवान का शक्ति है। और आपका अगर हम ताकत जानना चाहे तो आपका शरीर में ही तो ताकत है, आपका जो शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान ये अलग रहता है क्या, कॉमन सेंस आपका,
वेदांत सूत्र हम चर्चा करने नहीं बैठे कि किसका सामने चर्चा करें। शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्ति एवं शक्तिमान दोनों अलग नहीं होते, क्योंकि शक्तिमान व्यक्ति का ही अंदर शक्ति रहते है कि नहीं। आपका ताकत जितना है, एजुकेशनल पावर या तो फिजिकल पावर, एनी काइंड ऑफ पावर दैट यू हैव दैट इज देयर इन यू, आपका अंदर में है। लेकिन भगवान का शक्ति का एक विशेष विचार है, भगवान का बाहर भगवान का शक्ति दिखाई पड़ता है तो भगवान का अंदर, लेकिन उसका स्वरूप अलग से दिखाई पड़ता है। ब्रह्म संहिता में बहुत सारे व्याख्या है, देवी मैया का बारे में बोलना चले बहुत दिन लगेगा, देवी तत्व का बारे में बड़ा आनंद होगा, लेकिन समझ पाओ और इसको पकड़ पाओ तो अच्छा है, नहीं तो हमारा बेकार आना, बेकार तो नहीं चलेगा, आप चिंतन जरूर करोगे, जरूर करोगे आप। तो ये जो शक्ति है भगवान का, ये जो देवी मैया का आराधना आप करते हो, ये बहिरंगा शक्ति है। भगवान का दुख, भगवान का अनंत शक्ति है, उनमें से कैटेगोरिकली हम दो डिवाइड कर सकता है, एक है इंटरनल पोटेंसी, एक है एक्सटर्नल पोटेंसी। बाहरी दुनिया में जो शक्ति दिखाई पड़ता है, जिसके द्वारा ये चराचर ब्रह्मांडो चल रहे हैं, सृष्टि श्रुति प्रलय साधना शक्ति रेखा छैव यस्व भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी का क्या है, हमारा श्लोक नहीं है, हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय सदन शक्ति रेखा छैव यस्व भुवनानि विभर्ति दुर्गा। छाया शक्ति है भगवान का, भगवान का जो ये जगत का बाहर ऊपर का जो लोक है, ये आप जानते हो चौदह भुवन सुने हो, चौदह भुवन में ये भूलोक है, भूलोक और ऊपर देखो भूलोक भूर भुव स्व महो जनो तपो सत्यो, ये सात लोग को पेनिट्रेट करके आप जाओगे, उसका बाद बिरोजा पड़ेगा, बी रोजा विगत रोजा आपको धोना पड़ेगा, इंटरनेशनल लाख से सोने से आपका जो सफाई होगा नहीं, आप अगर कीमती इंटरनेशनल लक्स ले आओ और खूब सफाई करो शरीर का, ये बॉडी का सफाई हो सकता, लेकिन अंदर का जो सफाई है वो हो नहीं सकता, इसके सफाई तो गुरु वैष्णव कर सके, बस कीपा कर दिया तो उसका बुद्धि शुद्धि हो जाएगा, देर नहीं लगेगा। लेकिन वही जो नमो शब्दों का व्याख्या किया, वो तो दंडवत किया, लेकिन वास्तव में दंडवत नहीं किया, वो तो दिखावा है, दंडवत महाराज जो श्लोक गीता का बोला उसमें रिटर्न चले जाए, प्रणिपात परिपोषण सेवा थ्री कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपका अंदर में दिव्य ज्ञान ठहरेगा। आप जो दिव्य ज्ञान चाहते हो गुरु वैष्णव का चरण में, वो दिव्य ज्ञान आपका दिल में ठहरेगा नहीं जब तक आपका प्रणाम दंडवत करते, जितना सारे फॉल्स ईगो है उसको लात लगाकर एक दिल को साफा करके दंडवत करो। प्रणिपात परिपोषण वाला क्वेश्चन गुरु जी के सामने प्रश्न रखता है वैष्णव के सामने, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा परिचय कहां है, कहां जाऊं, ये मौत का बात, ये सब क्वेश्चन रखना है, इसका उत्तर गुरु जी देंगे धीरे धीरे, तत्व तो उपदेश करेंगे। परिपात परिवेश सेवा, उसका बाद उसका सेवा करना चाहिए। आदमी सोचते हैं कि शरीर का शोभा, ऐसा ऐसा दबा एक तो सेवा हो गया, थोड़ा वो लड्डू पेरा खिला दिया, आदमी सोचता है, लेकिन ये नहीं, ये तो है ही सेवा, लेकिन सेवा बोलते उसका अपराकित वाणी का सेवा, ये सबसे प्रधान है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। गुरु वैष्णव जो वाणी को निकालते हैं वो कोई मुखस्त करके नहीं, वो बाजार में कॉलेज में आप परीक्षा मुखस्त करके आओ लिख के आ जाओ डिग्री मिल गया, ऐसा नहीं, वो अपना अनुभव के द्वारा हृदय से प्रेरणा मिलता है और जो निकालता है शब्द ब्रह्म, वो कोई साधारण नहीं है, आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए शब्द ब्रह्म निकालता है, वो आपका अगर दिल में ठहरे
तो अच्छा है। लेकिन इसका लिए तीन कंडीशन में बोला, सेवा का जरूर है, गुरु वैष्णव का सेवा, परिपात परिपेश्व सेवा, ये तीन कंडीशन का द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए हैं अर्जुन जी को, हाँ भले वो तत्व ज्ञान आपको उपदेश करेंगे, और इसका लिए ये जो तीन कंडीशन ये अगर फुलफिल ना हो तो भागवत तत्व उपदेश करे फिर भी बहुत सारे आदमी आए थे गिवन, लेकिन रहेगा नहीं, अंदर में कुछ रहे गड़बड़ी तो उसके द्वारा संभव नहीं। तो नमो मतलब अहंकार का विसर्जन करो, करके दंडवत करो, प्रश्न करो और सेवा करो, उसके द्वारा आपका अंदर में पूरा जो तत्व ज्ञान आपका दिल में आ जाएगा, तब आपका भय का समाप्ति हो जाएगा। ऐसा डर आपको एक आध उदाहरण दे तो चौंक जाओगे। शेयर मार्केट है कलकत्ता में, डलहौसी में शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट। हमारा उम्र बहुत कम था उस समय में, उधर से गुजर रहा था, अचानक हल्ला गुल्ला चल रहा है, वो शेयर मार्केट उधर है ऊपर में बैठा हुआ सब सेठ लोग सब गुजरते गुजरते देखे हल्ला गुल्ला हो रहा है, और देखे एक व्यक्ति हार्ट अटैक होके उधर गिर गया। हमने बोले महाराज ये तो बैठा हुआ है सुंदर गद्दी पे के क्या हो गया, तो आपस में चर्चा होने लगे, देखो ये इसका खबर आया, इसका जो शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा है, अचानक टेलीफोन आया जो वो शेयर मार्केट में उसका कम से कम 40-50 लाख रुपया का नुकसान हो गया। वो जो सेठ बैठा हुआ था उसको अचानक खबर आ गया फोन पे, अभी शेयर मार्केट गिर गया, उसका कम से कम हिसाब लगाया 40-50 लाख रुपया का नुकसान हो गया। और सुनते ही उसका अंदर में दिल का था धक्का लग गया, ऐसा हार्ट अटैक, बस वो फोन लेके गिर पड़े, फोन लेके गिर पड़े। अब हम वो पूरा वो जो बा कथा देके शुरू किए, ब्रह्मा जी का सामने क्वेश्चन किए, हाँ हंसरूपी भगवान ने आए सामने और बोले आप जो प्रश्न कर रहे हो मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन आपको कहां से मिला, जबकि दुनिया में दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, कहां से आप बना लिया संसार, ये जो संसार है आपका कर्म, आप अपना कर्म फल है, इट इज योर ओन। गीता में भगवान खुल्लम खुल्ला बता दिया, आपका जो पाप है, आपका जो पुण्य है, जो कर्म कर रहे हो दिन रात, दैट फॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल, सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। भगवान का क्या, भगवान तो अनंत दुनिया चलाते हैं, भगवान बोलते देखो हमने तो ना तो उसको पुण्य कर्मों के लिए बोला है, ना तो पाप कर्मों के लिए बोला है, वो खुद ब खुद कर रहा है ये सब, जबकि हम बोला ही नहीं, हम बोला हमारा चरण में शरण हो जाओ, वो सुना नहीं, जब हम बोले हमारा चरण में आ जाओ वो सुना ही नहीं। मामेकम शरणम भयो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामी, मां सोचो ये बात हमने बोला, और वो लगा दिया संसारी कर्मकांड, दखो का बात भी थोड़ा बताएंगे हम, याद आ गया, वो आपने आप शुरू कर दिया। गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को देखो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यन्ति यन्तवः, केनो मुझ्यन्ति यन्तवः, ये दुनिया का आदमी क्यों दे आर सो फूल, क्यों इतना बुका बनते, दे थिंक आई एम स्मार्ट, स्मार्ट का क्या परिभाषा है बोलो, आपका सामने इतना आदमी बैठा हुआ बोलो, स्मार्टनेस किसको बोला जाता है, कोई व्याख्या है, हैं? आपका स्मार्टनेस का व्याख्या ये है कोई फिल्म स्टार नाटकबाजी कर रहा है कोई लड़की का सामने, दैट इज कॉल्ड स्मार्टनेस, आप सोचते हो, लेकिन स्मार्टनेस का परिभाषा सुन लो आज सामने, कभी सुने नहीं हो, स्मार्टनेस मीन स्ट्रेटनेस, जब आपका जवान और दिल समान हो जाएगा और आपका दिल में बिल्कुल डर हट जाएगा, कई किस्म का डर नहीं है, तो आप फियरलेस हो जाओगे, ओनली वे। हमारा दिन में कोई डर नहीं कि क्या बोले श्याम बाबा को उड़ा दो, ऐसा लिखा है, कोई बोले ऐसा कर दो फलाना कर दो,
हमारा डर ही नहीं है कि हम जानते हैं ठाकुर जी मेरे को रक्षा करते हैं, तुम मारने वाला कौन हो। ये जो निर्भय अवस्था आपका दिल में आ नहीं सकता क्योंकि आप भगवत चरण में शरणागत नहीं है। हो सके कि देवी जी का चरण में शरण, लेकिन देवी जी का शरण में शरणागत हो तो देवी बोलेंगे हम तो मुक्ति भी दे नहीं सकते, हम मुक्ति भी दे नहीं सकते। धनम देही जन्म देही यशो देही मातरम, हाँ माँ बोलेगे ले जा, ये तो दुनियादारी का चाटनी है। चाटनी जानते हो, हमारा गुरुवर को बोलते हैं महाराज ये दिल्ली का लड्डू है, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। खाया तो बोले राम राम कैसा कर दिया, और नहीं खाया तो वो अच्छा होता, अगर करते तो अच्छा होता, कैसा सुंदर घर गृहस्थी बैठा लिया। अब महाराज उसका अंदर डुबकी लगाओ तो पता चलेगा क्या मजा है। हम सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए ये चुनौती देते हैं हर वक्त प्रभुपाद का ये बात, कभी भी कोई गृहस्थी का घर में जाओ कुछ भी हो उसका रनक है उसको मत देखो, मिट्टी का ढेला है ये देखो। अगर आपका दिल में वो घर में, हमने तो करोड़ों करोड़ों पति का घर में गए बुला के लिए, तो अपने ड्राइव करके जलंधर में, वो जो है इंटरनेशनल बिजनेसमैन, कितना करोड़ रुपया वो बोल नहीं सकता, वो खोद चला के ले जाते उसका पिताजी। लेकिन हमारा अंदर में कभी उसका घर में जाके कुछ देखता ही नहीं, कुछ अगर लेने लेने का कोई चक्कर तो है ही नहीं। महाराज क्या सेवा बताए, हम तुम्हारा क्या सेवा है पहले बताओ, हमारा तो कोई सेवा है नहीं, क्या सेवा करे। वो सेवा मतलब चाहता है कुछ पैसा मांगे महाराज दे दे, हम तो भीख मांगा साधु ऐसा नहीं है, कुछ पैसा मांगे आपसे, हम तो ये मांगे कैन यू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मी माय गुरुदेव, हम ये मांगे दो, हिम्मत है तो इसमें कौन किसका है दो मेरे सामने, आपका दिल को आपका पर्सनैलिटी को आपका जो जो कुछ है सो हमको दे दो, फिर देखो हम आपको उद्धार कर सके कि नहीं देखो पहले। लेकिन हम जाने यू आर ऑल कंडीशन सोल, यू कैन नॉट हैव एनी सबमिशन, आपका सबमिशन हो नहीं सकता। हो सके कि संतों को बुलाए हो थोड़ा बहुत कथा कीर्तन कर दो, लेकिन दिल में ये इच्छा होना चाहिए कि साधु संत महात्मा आया है तो मेरा बचने का रास्ता कम से कम खुल जाए। कहां तक रहोगे हवेली में, कहां तक, हाउ लॉन्ग। हमने देखे है सामने, एक डॉक्टर ने अमेरिका से रिटर्न आया, उसका अमेरिकन डिग्री है, फिर उन्होंने अपना जिंदगी का कमाई देकर सुंदर सरस्वती नदी का किनारे गौरधाम में इतना सुंदर हवेली बनाया कि बहुत सुंदर, और मिस्त्री के बोलते रहे ए इधर ठीक नहीं हुआ इसको तोड़, इसको ऐसा बना। अब मिस्त्री बोला मां हो गया तोड़ इसको, ऐसा नहीं चाहिए, हमने तो तेरे को ऐसा बनाने बोला। और मिस्त्री क्या करे, वो बेचारा सब कर दिया, उसके बाद रंग फंग हो गया बहुत, प्लास्टर आदि सब हो गया, प्लास्टिक पेंट हो गया, एशियन पेंट्स, इतना कलर, इतना सुंदर व्यवस्था कि आप सोचते रह जाओगे। सॉल्ट लेक में गए, कलकत्ता में एक एक घर देखने का लायक है। उसके बाद वो डॉक्टर ने एक गृह में प्रवेश भी किए, घर में नया घर में एंट्री लिए, उसके बाद दो महीना में गया नहीं उसका डेथ हो गया। सब बीवी बच्चा रोने लगे, हम बोला कोई चिंता नहीं तुम्हारा पिताजी ये घर में ही रहेगा। बोलो महाराज कैसे रहेगा मर गया तो, हम बोला चूहा बन के रहेगा चूहा बन के रहेगा, वो जाएगा कहाँ बेचारा, इतना प्लास्टिक पेंट लगाया, इतना सारे व्यवस्था किया, सॉरी इतना दिल को हटा सके, ही कैन स्टे इन अदर फॉर्म, माउस चूहे के रूप में रह जाएगा क्योंकि दिल में तो आसक्ति है ही है। इसलिए जीते जी आसक्ति को हटाओ, ना तो तुम लड़की हो, ना तो तुम लड़का हो, ना तो तुम बुढ़ा हो, ना तो तू बालक हो, ये तो शरीर का परिचय है, ये परिचय आपका नहीं है। कहां बोला हमारा सामने कोई लड़की नहीं है, कौन बोल रहा है लड़की बैठा हुआ, कौन बोल रहा है आओ सामने, कोई लड़की नहीं है मेरा सामने, जीवात्मा है सब बैठा हुआ है, सब जीवात्मा बैठा हुआ बॉन्डेड सोल। ये दर्शन जब तक ना हो, कितना भी मुखस्त कर ले उसके द्वारा टट्टी पे सब निकालेगा मुख से, जवान से हरी कथा नहीं निकलेगा। दैट काइंड ऑफ पावर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट,
चाहे जितना व्याकरण कर लिया, सांखो ये आचार्य हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, हो सकता, लेकिन भगवान का एजेंट के पास जाना पड़ेगा। भगवान का जो अपना एजेंट है उसका पास जाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा पूरा जिंदगी, लाभ नहीं है। तो भगवान कोई पाप पुण्य कुछ भी चीज नहीं लेते हैं, ये तो ऑटोमेटिक, जैसे कंप्यूटर में फेड अप कर लेते हैं, जैसे जितना सारे आप उसका अंदर में कंप्यूटर में करोगे काम, मेमोरी में रह जाता है, आप जितना सारे काम करोगे पाप पुण्य सब आपका अंदर में, आपका सूक्ष्म शरीर जो है इसको अंदर में रिकॉर्डिंग हो जाता है, रिकॉर्डिंग दैट कैन नॉट बी इरेस्ड, रिकॉर्डिंग हो जाए और उसका मुताबिक नेक्स्ट लाइफ में आपको कर्म फल मिलेगा। कोई ऐसा कर्म किए हो कि इस घराने में आ गए, नेक्स्ट लाइफ में आपका मिजरेबल कंडीशन हो सकता है। तो इसलिए पाप या पुण्य ये दोनों एक शब्दों भी मैं उठाना नहीं चाहूं, क्यों? पुण्य शब्दों के द्वारा भी आपका बंधन है। नरोत्तम ठाकुर बताए, पुण्य से सुखेर धाम नालोयो तार नाम, ये पुण्य बोल के जो शब्दों आप मुखस्त कर लिए हो आपका बाबा पर बाबा से, मारा बा दान पुण्य करो महाराज, ये भी आपका लिए, आपका लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, क्योंकि पुण्य कर्म करो तो कहां जाओगे, जाओगे स्वर्ग में, पुण्य कर्म के बाद कहां जाओगे, पुण्य डिपॉजिट हो गया बैंक में, जैसा मनी डिपॉजिट हो जाता है, पुण्य डिपॉजिट होते होते आपको स्वर्ग में ले जाएगा, लेकिन स्वर्ग जाओगे कितना टाइम के लिए, जैसे 5 स्टार होटल में आप गए, आपका जेब में 2 लाख रुपया लेके गए, कितना दिन रहोगे, कि पार्ट डे चार्ज कितना है, खाओगे पियोगे रहोगे, मनी खत्म हो गया तो निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा ना। तो ऐसे स्वर्ग में जाओगे, आपका जो डिपॉजिट है जितना पुण्य किए हो वो खत्म होने का बाद ही आपको घार धक्का देके निकाले, जैसे नौकर को निकल देता है, ए निकाल, अरे महाराज एक दिन का लिए रहन, अरे एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं, निकाल अभी। गीता में लिखा हुआ है, कभी पढ़े नहीं, खीने पुण्य मत्तो लोकम विशांति, पुण्य क्षीण हो जाए धक्का लगा के इसी धाम में फेंक देगा, चाहे रिश्का वाला का घर में आपका जन्म हो जाए, या तो करोड़पति का घर में या कोई पंडित का घर में, ये कर्म फल का अनुसार चलेगा। भगवान बोलते हैं हमने तो ये सब बताया नहीं, ये लोग अपना मनमानी बना लिया जिंदगी, पुण्य करते हैं पाप करते हैं, हम बोले कुछ नहीं करने का दरकार है, तू हमारा शरण में आ जा, वो बोले नहीं तुम्हारा शरण में आ जाएगा नहीं, हमारा सुविधा नहीं है, हम देवी जी का शरण में जाओ, जाओ देवी जी के शरण में जाओ, अब बंधन ज्यादा होगा, बंधन ज्यादा होगा, क्योंकि देवी जी तो फंसने वाला चीज दे देंगे ना, फंसने वाला चीज ही तो देंगे, मुक्ति मांगो शंकर जी भी बोलेंगे मुक्ति तो हम दे नहीं सकता, शंकर जी से बोलो मुक्ति दे दो हमको, शंकर बोले मुक्ति देने का तो हमारा अब ये, हम कैसे मुक्ति दे, बुक्स माने मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशय, मुक्तिदाता एकमात्र तो विष्णु है। काल भी थोड़ा उठाया था बात को, क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति, इसका बारे में संदर्भ में बहुत सुंदर विचार है, लेकिन कहां बताए, भागवत धर्म किसको बोलाया था आप सुन लो, इतना सारे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब भागवत धर्म किसको बोला जाता है, भागवत धर्म का दूसरा नाम है आत्मधर्म, आपका अंदर में जो आत्मा है सोल है, ये आत्मा को जो स्वाभाविक धर्म है इसको क्लियर करने के लिए एक उदाहरण दे दे, बहुत साधारण उदाहरण, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आपका ये शरीर है, आपका ये शरीर है, ये शरीर सुबह से लेकर शाम तक या तक कि जितना दिन आप जियोगे, आपका कोई इंस्ट्रक्शन दे और नहीं दे, आप सुबह में उठेगे नहाओगे भोजन करोगे ऑफिस जाओगे कुछ भी करोगे कपड़ा पहनोगे सब भी करोगे, बॉडी शरीर का रिलैक्सेशन का व्यवस्था करोगे भोजन करोगे। अब हमारा क्वेश्चन है आपका सामने, जो आप जो हाथ से उठाकर भोजन करते हो, भोजन कहाँ करते हो, मुख में डालते हो और नहाते हो माथे में पानी देते हो,
आपका पैर आपको ले जाते हैं जिस जगह दरकार है, जितना सारे आपका काम करते हैं आपका बॉडी, जितना सारे ऑर्गेन्स आपका है बॉडी में, जितना सारे ऑर्गेन है, आंखें, त्वचा, कान, नाक, जितना सारे ऑर्गेन है, ये सब ऑर्गेन किसका बात सुन रहा है? हु गिविंग इंस्ट्रक्शन? इसको परिचालना कौन कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है, आपका जितना सारे ऑर्गेन चल रहा है, शरीर, हाथ, पाप, पैर, जितना सारे ऑर्गेन, कौन कौन चला रहा है? बिना बोले हो खाने का लिया बैठ जाते हो, खाते हो, सब कुछ करते हो, आपका शरीर का जितना सारे अंग प्रत्यंग है, आपका शरीर का सेवा करता है कि नहीं? लेकिन और सूक्ष्म बुद्धि लगाओ तो देखिए आपका अंदर में जो आत्मा है इसका सेवा में लगा हुआ है कि नहीं? आपका अंदर में जो आत्मा है जिसको आपको जानकारी है नहीं, बोल कौन है कौन जा रहा, हम तो खेलते फिरते घूमते खाते सब कुछ है, लेकिन विचार करके देखो जितना अपना हाथ पैर नाक त्वचा जो कुछ भी है सब आपका किसका सेवा में लगे हुए है? इसका अंदर में जो आत्मा है इसका सेवा में लगे हुए आप जानते नहीं। जब आप बोलते हो हम देख लेंगे तेरे को, कहां देखा तो हम देख लेंगे, इधर देखा तो कि यहां देखा तो, यहां देखा तो क्यों? आप जानते हो आत्मा यहां विराजते हैं। अनोइंगली योर हैंड योर फिंगर कैन पॉइंट आउट योर सेल्फ। क्यों? अनजाने में ही होता है, क्योंकि आत्मा है। इसका ही सेवा में आपका शरीर, जैसे पूरा शरीर चलते हैं, आपका क्रियाक्रम जो कुछ भी है सब आपका किस लिए चलते हैं? ये आत्मा के लिए। इसीलिए भगवान में देवी मैया हो या शंकर जी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, ब्रह्मा से लेकर इंद्र से लेकर जांग बम वरुण इंद्र दमरतो स्तुनवंति देवैस्तवै वेदै संग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगते न मनस्वा पश्यन्तिनम योगिन यस्यन्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा से लेगा शंकर तक सब जंग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो काय देवी मैया बच जाएगी? ये तो छाया शक्ति है, मैया का लिए मेरा बहुत प्यार है, लेकिन सच्चाई सुन लो, अगर बचना है तो भागवत धर्मो आत्मधर्मों को पालन करना है। आत्मधर्म किसको बोला जाता है? भले भागवत में बताया पूरा, सौवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोखजे अहितुकी अप्रतिहत्ता जयात्मा सुप्रसीदति। कहां का श्लोक है? भागवत जी का। भागवत जी में बताए ये भागवत धर्म क्या है, आत्मधर्म क्या है? बोले सौ बोई, बोई मतलब निश्चितमेव, नो इट फॉर डेफिनेट, निश्चित रूप से जान लो। क्या? सौ बोई पुंसाम परो धर्मो, धर्म तो बहुत है, ये देहो धर्म है, मनो धर्म है, समाज धर्म है, वेद धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन परो धर्म क्या है? एब्सोल्यूट धर्म कौन है? बल ये है भागवत धर्म, इसको एब्सोल्यूट माना जाता है। सब ही पुंसम परो धर्मो यतो, बोले ये क्या है? यतो भक्ति अधोक्खजे, अधोक्खजे वस्तु कौन है? इसका बारे में कल कोई सभा होगा, उधर एक्सप्लेन करेंगे, एक ही दिन व्याख्या करे तो समझ में आपको नहीं आएगा, इच्छा है तो जाओगे, नहीं तो बैठे रहोगे घर में, हमारा क्या आएगा जाएगा। वृंदावन में सुनने वाला होता है, कहां कहां से आ जाते हैं महाराज, धूप में पानी में, महाराज हमको कथा सुनना है। एक संत महात्मा पहुंच जाए तो कहां कहां से पहुंच जाते हैं महाराज, मरना तो है ही, चाहे धूप लग जाए, दीप लग जाए, कुछ भी लग जाए। तो सब वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजक खजे अधोक्ष, जो व्याख्या भी काल करेंगे, वो भगवान का चरण में जो भक्ति है, भगवान बोलते शंकर भगवान, देवी भगवान, इंद्र भगवान, ऐसा नहीं भगवान का मेला लग गया, भगवान का मेला लगा दिया ना आपने, सारे घर में खोजो तो ऊपर घर ना जाने यहां तो है और दो चार कहां कहां होगा, ऊपर में भी फोटो लगा दिया, भगवान का मेला लग गया। लेकिन भगवान एक है, भगवान तो है ही है, लो
ये तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं, इनके चरण में दंडवत भगवान, लेकिन परम भगवान कृष्ण है। तमाम वेद उपनिषद कौन सी सिद्धांत तो आप जानना चाहो बोलो, कौन सी शास्त्र सब कोई को पूछो, एब्सोल्यूट भगवान कौन है, परम परमेश्वर कौन है, ईश्वर तो है ही है, परमेश्वर कौन है, ईश्वर किसको बोला जाता है, जिसको भगवान ने थोड़ा सामर्थ्य देख के रखा है, शक्ति देके रखा है, शक्ति देके रखा है, हो गया, भगवान कुछ शक्ति देके रखा है, कि जैसे वरुण जी को वाटर डिपार्टमेंट देके रखा है, वाटर डिपार्टमेंट ब्रह्म वरुण जी, इंद्र जी हेवन का ओवरऑल चार्ज है उसका, इंद्र जी हैं, अब पवन जी को वायु का विभाग देके रखा है, लेकिन खुल्ला खुल्ला भागवत में बता दिया ये सूर्य ताप दे रहे हैं, ये जो वायु बह रही है सब मद भयात बाति बात सूर्य स्तपति मद भयात, अरे हमने नहीं बना के बोल रहे हैं महाराज, सब भगवत में है, शास्त्र में भगवान बोलते हमारे आदेश के द्वारा हमारे डर के मारे सूर्य जी ताप देते हैं, सूरज और वायु बहते हैं, पानी चलते हैं, सब हमारे, लेकिन इसको ही अब फेंक काट के फेंक दिया भगवान कृष्ण को, क्या अजब की बात है, अजब जमाना आ गया अजब जमाना आ गया, सच्चाई को सुनो, भागवत धर्म का पालन करो, देवी मैया का तत्व का बारे में, शंकर जी का तत्व का बारे में हमारा और 3, 5, 7, 10 दिन भी अभी प्रवचन है, अलग अलग जाएगा, हम एक एक करके उठाते रहेंगे अपने को शोधन करने के लिए, और कृपा पाते हैं देवी मैया मेरे को कृपा करे, बहुत कृपा किए भी हैं, लेकिन हम माल मांगे नहीं कभी, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कभी मांगे नहीं, माल दो हमको कभी, बस ठाकुर जी अपने को दे दो, देवी मैया आशीर्वाद कर दे, आपका बुद्धि शुद्धि हो जाएगा है। अब यहां तक रहे, वांछा कल्प दुर्वश्य के पास सिंधु व्यवस्था पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो।